नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। संभल में बवाल है। 24 नवंबर की सुबह आधे से ज्यादा लोग सोए हुए थे, उस वक्त हिंसा संभल में आहट देती है और सामने आता है रोंगटे खड़े कर देने वाला बवाल। यहाँ की जली हुई गाड़ियां, सड़कों पर फैले पत्थर इस बात की गवाही देते हैं कि उपद्रवियों ने यहाँ किस तरह का तांडव मचाया। दरअसल पूरा मामला शुरू होता है एक याचिका से। संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर मंदिर बताते हुए याचिका डाली जाती है, जिसके बाद मस्जिद के सर्वे के आदेश की कोर्ट की तरफ से दिए जाते हैं, जहां पहले 19 नवम्बर की रात सर्वे टीम मस्जिद में पहुंचती है, फिर 24 नवंबर यानी रविवार सुबह फिर से टीम सर्वे के लिए आती है, जिस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया जाता है, लेकिन हिंसा भड़कती है और ऐसी भड़कती है कि पुलिस पर भी हमला हो जाता है। एसपी समेत कई पुलिस वाले घायल होते हैं। पुलिस को पहले आंसू गैस के गोले दागने पड़ते हैं और फिर लाठीचार्ज करना पड़ता है और आखिर में जवाबी कार्यवाही करते हुए फायरिंग भी की जाती है, जिसमें 4 लोगों की यानी नईम, बिलाल, नौमान और मोहम्मद कैफ की जान चली जाती है। वहीं इस मुद्दे पर अब सियासत भी जोरों पर है। हर पार्टी की ओर से इस मुद्दे को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई और इसी कड़ी में एक नाम जुड़ा था AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का, जिन्होंने 20 नवंबर को एक्स पर एक पोस्ट किया था। ओवैसी ने पोस्ट करते हुए लिखा था, बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद हिंदुवादी संगठनों को देश भर में मुस्लिम धर्म स्थलों को निशाना बनाने का हौसला मिला है। संभल के चंदौसी में शाही जामा मस्जिद का मामला देखिए। वकील ने एक एप्लीकेशन दिया जिसमें कहा गया कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर तोड़ा गया था। एप्लीकेशन के 3 घंटे के अंदर जज ने मस्जिद पर सर्वे का आदेश दे दिया। ये वकील यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में स्थायी वकील है, जिनके एप्लीकेशन के बाद उसी दिन सर्वे भी पूरा कर लिया गया। बाबरी मस्जिद के ताले भी ऐसे ही कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद बिना किसी सुनवाई के खोल दिए गए थे। सैकड़ों सालों से चल रही मस्जिद को अब झूठे और सांप्रदायिक मामलों में फंसाया जा रहा है। अदालतों को ऐसे मामले शुरुआत में ही रोकने चाहिए। तो देखा आपने, ओवैसी साहब लंबा चौड़ा पोस्ट करते हैं, लेकिन आज जब इस घटना में इतनी हिंसा हो जाती है, 4 लोग मर जाते हैं, पूरा संभल इस हिंसा से दहल जाता है और भाईजान गायब हैं। वहीं रविवार दोपहर बाद जब माहौल शांत हुआ तो पुलिस ने फ्लैग मार्च शुरू किया। शहर में पीएसी के साथ RRAF और RAF की कंपनियां भी लगाई गई। हालांकि तब तोड़फोड़, आगजनी, पथराव और गोलीबारी में 4 लोगों की जान जा चुकी थी। फिलहाल इलाके में जबरदस्त तनाव है। इंटरनेट के साथ स्कूल कॉलेज भी बंद हैं। आपको बता दें कि बीते दिन संभल शहर के शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान बवाल हुआ था। उपद्रवियों ने जामा मस्जिद के पीछे पुलिस पर जमकर पथराव किया, सड़क किनारे खड़े वाहनों में आग लगा दी, जिससे कार व बाइकें जलकर खाक हो गई। आलम यह था कि सड़कों पर ईंट पत्थरों व चप्पलों के ढेर लग गए। बाद में इनको हटाने के लिए नगर पालिका की टीमें लगानी पड़ी। पालिका के कर्मचारियों ने कई ट्रैक्टरों में इन ईंट पत्थरों व चप्पलों को भरकर रास्ता साफ करवाया, साथ में जेसीबी की मदद से जले हुए वाहनों को सड़क से हटवाया। पुलिस के मुताबिक उपद्रवियों की भीड़ में मौजूद लोगों ने नाबालिगों को आगे कर रखा था। सभी के हाथ में ईंट पत्थर थे। इन पत्थरबाजों ने अपने चेहरे ढक रखे थे। वहीं बवाल शांत होने के बाद 2 महिलाओं सहित 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। घटना में शामिल लोगों पर NSA के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। फिलहाल संभल जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है और बाहरी लोगों के प्रवेश पर 30 नवंबर तक रोक लगा दी है। सुबह हिंसा के बाद कोई दूसरी घटना सामने नहीं आई है। पूरे मुरादाबाद रेंज के 30 थानों की पुलिस को संभल में तैनात किया गया है। वहीं CCTV कैमरों की मदद से भीड़ में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। कई टीमों ने रात भर संभल में छापेमारी की। इस दौरान अलग अलग जगह से कुछ अवैध हथियार समेत जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा, आरोपियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।